खबर रीवा से है, जहां बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी राजस्थान में पढ़ रही रीवा शहर की बेटी स्वेच्छा गुप्ता वर्ष 2023 में कर्तव्य पथ पर निकलने वाले गणतंत्र दिवस परेड में गर्ल्स एनसीसी बैंड टीम को लीड कर रही हैं। उनका चयन सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में हुआ है। गर्ल्स एनसीसी बैंड ग्रुप में कुल 51 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी का यह बैंड ग्रुप 1960 से लगातार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। पूर्व में वर्ष 2021 में भी गणतंत्र दिवस परेड हेतु स्वेच्छा गुप्ता का चयन गर्ल्स एनसीसी बैंड ग्रुप के लिए हुआ था, किंतु कोविड-19 के कारणों से ग्रुप परेड में सम्मिलित नहीं हो पाया था। स्वेच्छा गुप्ता के पिता सुनील कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में रीवा जिला में थाना प्रभारी समान के पद पर पदस्थ हैं। स्वेच्छा गुप्ता की मां डॉक्टर विनीता गुप्ता एवं पिता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बचपन से स्वेच्छा के अंदर लीडरशिप के गुण मौजूद थे, जो सार्वजनिक रूप से अब देखने को मिल रहा है। स्वेच्छा गुप्ता के गर्ल्स एनसीसी ब्रास बैंड ग्रुप में लीडर के रूप में चयन पर माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मित्रगढ़ एवं रीवा शहर के लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड हेतु चयन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली के कैंट एरिया में करियप्पा परेड ग्राउंड में 1 जनवरी 2023 से गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास किया जा रहा है, जहां भीषण ठंड के मौसम में सभी कैंडिडेट्स सुबह 5 बजे से तैयार होकर रिहर्सल करते हैं। विगत दिनों RDC परेड का निरीक्षण आर्मी चीफ मनोज पांडे द्वारा करियप्पा परेड ग्राउंड में जाकर किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की ब्रास बैंड पार्टी ने बैंड की मधुर धुनों से सभी का मन मोह लिया। We'll be right back.